सुप्रभातम बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पाठ 4 के व्याकरण भाग को करेंगे, जिसमें हमारा पेज नंबर 48 और 49 होगा। बच्चों, पिछली वीडियो में हम इसको कर रहे थे अभ्यास को, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। पाठ 25 में अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा लिखत। विद्यालयं गच्छन् बालकाः मातरं नमति। तो इसमें जो रेखांकित है गच्छन्, तो इसका बन जाएगा बच्चों गम जमा क्षत्रि। दूसरा है कक्षायां पठन्ता छात्रा कोलाहलं न कुर्युः। तो इसका बनेगा बच्चों पठ जमा क्षत्रि, जो यहाँ पे हमारा पठन्ता है। अब हमारा थर्ड है पुत्रम समरी जमा क्षत्रि माता पत्रम लिखती। तो इसका बनेगा बच्चों समरंती है, और ये आगे जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। फोर्थ है उद्याने क्रीडंतया कन्या प्रसन्ना भवती। तो इसका बनेगा बच्चों क्रीड जमा क्षत्रि बन जाएगा, और ये आ जाएगा स्त्रीलिंग में आपका भी। ठीक है। फिफ्थ होगा हमारा नृत्यम दृश्य जमा क्षत्रि जना करतल ध्वनि कुर्वन्ति है। तो इसका बन जाएगा बच्चों पश्यन्तः। सिक्स हमारा मार्गे चरम जमा क्षत्रि बालकः इतस्ततः न पश्यति। तो इसका बन जाएगा बच्चों चलन। क्या बन जाएगा बच्चों इसका चलन। फिर सेवंथ है परिश्रमम कुर्वन्ति छात्रा सफलतां लभते। तो इसका बन जाएगा क्रिय जमा क्षत्रि स्त्रीलिंग में। ठीक है। फिर एट्थ होगा गृहम आजमा गम जमा क्षत्रि कन्या बस यानम आरोहंती। तो इसका बन जाएगा बच्चों आगच्छन्त्यः। क्या बन जाएगा आगच्छन्त्यः। ठीक है। अदत है यहाँ पे। नाइन्थ हमारा सुंदरम चित्रम पश्यन्तौ बालौ प्रसन्नौ भवतः। तो इसका बन जाएगा बच्चों दृश्यमा क्षत्रि। फिर दसवा हमारा बालिका नृत्य जमा क्षत्रि गीतम गायति। इसका क्या बन जाएगा बच्चों नृत्यंती है। ठीक है। तो हमने पठंता क्षत्र क्रीडंत्या का दृश्यमा क्षत्रि का चल जमा क्षत्रि का कुर्वंती का आजमा गर्ण क्षत्रि का और पश्यंतों का नृत्य जमा क्षत्रि का हमने इनका क्या किया इन प्रत्ययों को किया है यहाँ पे। अब हम पेज नंबर 49 को करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा धातु रूपाणाम प्रयोग अभ्यासा प्रश्न नंबर 1 होगा इसका भी। ठीक है। अधोलिखित वाक्यानि उचित धातु रूपे पूर्यन्तु हो। तो बच्चों हमने यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। फर्स्ट में का बच्चों सेवते को टिक कर लीजिएगा, सेकंड में अपने पठे को टिक करना है, थर्ड में अपने स्थास्यामा को टिक करना है, फोर्थ में अपने लभंते को टिक करना है, फिफ्थ में अपने रोचिष्यंत को टिक करना है, और सिक्स में अपने समरंतु को टिक करना है, सेवन्थ में आपने आगच्छावा को टिक करना है, और एट्थ में आपने आस्ताम को टिक करना है, नाइन्थ में आपने शोभिते को टिक करना है, और टेंथ में आपने अपश्चित को टिक करना है। ठीक है। आपने इसको भरना है, पहले को आपने यहाँ पर भरना है शिष्यः गुरुम सेवते। ठीक है। और पठे को आपने यहाँ पर भरना है, स्थास्यामा को आपने यहाँ पर भरना है, लभंते को आपने यहाँ भरना है, रोचिष्यंत को आपने यहाँ भरना है, समरंतु को आपने यहाँ भरना है, आगच्छाव को आपने यहाँ भरना है, आस्ताम को आपने यहाँ भरना है, शोभते को आपने यहाँ भरना है, और अपश्यत को आपने यहाँ भरना है। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही है हमारा पार्ट 25 में। शेष जो हमारा जो होगा उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।